पे जो अपनी बैठने वाली सीट है वो कुछ ऐसी बन जाती है, पूरी बेड जैसी। आप इसमें आराम से लेट सकते हो। क्यों? तो यहाँ पे कोल्ड टॉवल भी है, तो वाइप कर लिया जाए हाथ और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। नई से बेंगलोर के बीच की शॉर्ट फ्लाइट में भी देख लो वैरायटी कितनी सर्व हुई है। यहाँ पे समोसे हैं, एमिरेट्स हमारे पीछे, उसके पीछे भी कोई और लाइन से देखो। यहाँ हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, और आज ट्रैवल कर रहे हैं बैंगलोर के लिए एयर इंडिया के लेटेस्ट A350 के बिजनेस क्लास में। आप उसे फर्स्ट क्लास भी कह सकते हो, क्योंकि इस फ्लाइट का सबसे हाईएस्ट क्लास है। भाई ये जो टिकट है ना, अकेले ये टिकट ही 27,000 की है, जिसमें हमारी फ्लाइट का एक लेवर होगा, वो होगा चेन्नई। मुंबई से पहले जाएंगे चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर। कनेक्टिंग फ्लाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको उसे मैनेज करना है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बिजनेस क्लास की सुविधाएं, यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास आ चुका है और लाउंज एक्सेस भी हमें मिल चुकी है, जो कि अडानी लाउंज की है। बिजनेस क्लास के प्रिविलेज है कि आपको एक अलग से काउंटर मिलता है जहाँ पे अपना लगेज ड्रॉप वगैरह करवा सकते हो। साथ साथ आपके लिए चेक इन के लिए भी अलग से काउंटर होता है, और यहाँ पे आपके सिक्योरिटी चेक के लिए जाने के लिए भी अलग से काउंटर होता है। और उसके बाद लाउंज एक्सेस आपको मिलती है और प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलती है, आपके लगेज को प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले बाहर आता है। और खाने पीने की तो सुविधाएँ आप जानते ही हो। इस फ्लाइट की खास बात यह है कि इसका जो फर्स्ट क्लास यानी जो इसका बिजनेस क्लास है, वो एक पर्सनल स्वीट रूम की तरह होता है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही तारीफ करूँ। जब फ्लाइट आएगी, बोर्ड करेंगे, तब आपको दिखाऊंगा क्या कमाल के फीचर है। चलिए इस यात्रा को मेरे साथ एंजॉय करिए। तो देख लो, सिक्योरिटी चेक के लिए भी अलग से काउंटर होता है, आपको ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ता है, एकदम VIP सुविधा है। तो अपना बोर्डिंग पास लो और बड़ी आसानी से आपका जो सिक्योरिटी चेक है वो यहाँ पर हो जाएगा। लाइन वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती है। मुंबई का एयरपोर्ट तो देख लो, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कम नहीं है। यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए हर चीज़ मिल जाएगी, सुपर ड्राई से लेकर के स्केचर्स के शोरूम से लेकर हर चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, वैसे अडानी लाउंज आपको थोड़ी देर में लेकर के चलता हूँ मैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं वीगो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड करेंसीज में अवेलेबल है। काफ़ी हैंडी सा ऐप है, यहाँ से आप फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग इंटरनेशनली भी बड़ी ही आसानी से बुक कर सकते हो। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स को, फ्लाइट्स एंड होटल्स को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील जहाँ अवेलेबल होती है ना, वो आपके लिए लेकर के आता है। अगर मान लीजिए फ्लाइट्स की बात की जाए, तो ईज़ माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप और जो फ्लाइट्स की ओरिजिनल वेबसाइट होती है, जैसे विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, इन सभी को कंपेयर करता है। जहाँ भी चीपेस्ट आपके लिए रेट अवेलेबल है ना, वो आपको मिलेगा, आप वहाँ से बड़ी ही आसानी से बुक कर सकते हो। अगर होटल्स की बात की जाए, तो होटल्स में Airbnb, OYO, booking.com, Agoda, जितने भी लेटेस्ट वाले हैं ना, सबको कंपेयर करके एकदम जो चीपेस्ट रेट अवेलेबल होता है वो आपके लिए आएगा, आप उसे बड़ी आसानी से बुक कर सकते हो। यही चीज़ें इंटरनेशनली भी पॉसिबल हैं वीगो की वजह से। जो नया वीगो ऐप है ना, उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप यहाँ से ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हो, इवेंट बुकिंग कर सकते हो, इनफैक्ट यहाँ से आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा का जो बुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल एंड फास्टर हो गया है वीगो की वजह से। आप घर बैठे बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए, जो कि बहुत ही स्मूथ हो चुका है वीगो की वजह से। तो भाई देर किस बात की है, वीगो आपको डाउनलोड कर लो, आपकी जो ट्रिप्स है ना उसको काफ़ी स्मूथ बना देगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि सारी फ्लाइट्स की डिटेल दी गई है, और अडानी लाउंज दिखा रहा है लेफ्ट तरफ, स्टारबक्स से लेफ्ट तरफ आपको जाना है। यहाँ पे शायद अडानी लाउंज की एंट्री है। अच्छा, ये अडानी लाउंज एंट्री यहाँ से है कुछ। एयर इंडिया एंड विस्तारा के लिए अलग से जो लाउंज है वो दिया गया है। चलिए इसकी एक्सेस देखते हैं। यहाँ पे कॉफ़ीज़ का ऑप्शन है आपके पास, ड्रिंक्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं, रागी इडली, नॉर्मल इडली, पोटैटो वेजेस, वड़ा, सांभर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम लोगों ने इसमें थोड़े बहुत आइटम ले लिए हैं, वैरायटी तो तगड़ी है यहाँ पर। फ्रूट्स के भी अच्छे खासे ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके पास, और भी मूसली वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें, हमस भी है, स्प्राउट्स हैं, चटनीज हैं, सभी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो इंटीरियर तो कुछ ऐसा है, और यहाँ पर खाने पीने के लिए ये वैरायटी थी। मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लेके आया हूँ बस टेस्ट करने के लिए। ना इस बार बिजनेस क्लास में है तो खाने पीने की चीज़ें ऑलरेडी बुक रहती हैं, तो यहाँ से बैंगलोर तक ऑलमोस्ट 2 मील सर्व की जाएंगे, वो सभी चीज़ आपको दिखानी भी है। थोड़ा सा ये चीज़ें फिनिश करते हैं और फिर सीधा चलते हैं फ्लाइट के बोर्डिंग गेट के पास। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, इतना बड़ा सा है, काफ़ी भीमकाय है भाई, एयर इंडिया का। मुझे लग रहा है बोइंग 777 होगा ये, मोस्टली मुझे वही लग रहा है। अगर ये बोइंग 777 है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगली जर्नी इसकी होनी चाहिए। फिर में हमारा एयर इंडिया AI-589 A350 आ चुका है। पहला लुक आप यहीं से देख लो, इंटीरियर आपको चल के दिखाता हूँ। बस बोर्डिंग शुरू ही होने वाली है, 10:05 की अपनी फ्लाइट है,
बोर्डिंग शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट। बिजनेस क्लास की जो एंट्री है ना वो सिर्फ आपके स्टार्टिंग हिस्से से है। ये है इसका बिजनेस क्लास। थैंक यू। पहले की इसका प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास भर जाए, आपको जल्दी से इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये इसका प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, काफ़ी शानदार है। एंड लेट मी जस्ट शो यू इसका इकोनॉमी। सो इकोनॉमी इज़ लाइक दिस। यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले वगैरह सभी चीज़ें मिल जाती हैं। काफ़ी न्यू ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का। आप लोगों ने मेरे साथ जब इसके फर्स्ट रन पर ट्रैवल किया था तो हम लोगों ने प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल किया था। ये हमारी सीटें थी और कुछ ऐसा इसका इंटीरियर होने वाला है अभी आज। प्रीमियम इकोनॉमी के लिए यहाँ पे जो बाकी सर्विसेज हैं उनकी तैयारी की जाती है, मतलब जो वेलकम ड्रिंक्स वगैरह है और बाकी बिजनेस ये रहा अपना यहाँ पे, इसके लिए व्यवस्था आगे है। और हमारी सीट है ए 5 की, तो ये आज अपनी सीट होने वाली है जिसे मैंने जानबूझ के चुना है। मज़ा आने वाला है इसमें। सर्विसेज का सिलसिला जो है बैठती फ्लाइट में शुरू हो चुका है। फर्स्ट जूस से सर्विंग आ चुकी है, ऑप्शन था कोकोनट वाटर इसमें, तो मैंने तो भाई ये प्रेफर किया। मिक्स फ्रूट है, मस्त लग रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या बाकी है। इसमें आपको फीचर बता देता हूँ, ये जो लेग स्पेस दिख रहा है ना ये पूरा बेड बन जाएगा। यहाँ पे बटन्स का सिस्टम देंगे, इसे अब ऑपरेट करके पूरा हम लोग बेड बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन देखिए, इससे पूरा हमारी सीट जो मूव होगी और मैं इसमें लेट सकता हूँ। पर अभी मेरे को लेटना नहीं है, अभी मेरे को आपको फीचर दिखाने। यहाँ पे टेबल है, इसे आप ऑपरेट कर सकते हो। कैसे था ये, आई थिंक प्रेस करके, हाँ फिर प्रेस करके इसे आप यहाँ पे कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। ये आपका एक मिनी कबर्ड टाइप का है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। हाँ ये देखो, डर लग रहा है ना, नई फ्लाइट है, ज़ोर से खींच लूँ तो बाहर ना आ जाए। लिटरेचर ओनली, यहाँ पे मतलब बुक्स वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे अपना जैकेट या कुछ टांगना है आपको तो 2 kg के वेट के अंदर का सामान आप यहाँ रख सकते हो। प्लस मेरे पीछे तरफ यहाँ पे एक लॉकर टाइप का दिया हुआ है जिसमें मैंने मेरे चार्जर ईयरफोन सब फेंक दिया है। और यहाँ पे एक मिरर भी है, देखना चाहते हो आप कैसे लग रहे हो तो। चलो अभी तो ठीक लग रहे हैं फिलहाल। बाकी एक छोटा सा ब्लैंकेट और यहाँ पे एक यूज एंड थ्रो टाइप का ईयरफोन भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, अगर आप कुछ देखना चाहो तो। जो डोर्स है, जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तब जो हमारे केबिन क्रू है उनके द्वारा इसे बंद किया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम ऑपरेट नहीं करने वाले, केबिन क्रू ही ऑपरेट करेंगे। बाकी कंफर्टेबल फ्लाइट है यार। ऊपर की चीज़ें दिखाऊँ तो नॉर्मल है, एयर वेंट वगैरह दिया गया है, बाकी लाइट्स के लिए ये चीज़ें क्यों। तो यहाँ पे कोल्ड टॉवल भी है तो वाइप कर लिया जाए हाथ और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। यार बिजनेस क्लास का वॉशरूम भी अलग ही है, मतलब लाइटिंग वगैरह आप देख लो प्रॉपर एकदम। और यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह सब कुछ दिया गया है, काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड बढ़िया स्पेशियस यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है बिजनेस क्लास के लिए। मान के भाई एयर इंडिया छा गए। अभी फ्लाइट उड़ी नहीं है और यहाँ पे बिजनेस क्लास का मेन्यू आज का है। अच्छे खासे ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। कोल्ड बेवरेज में भी आप देख लो स्पार्किंग वाटर, फ्रूट जूस वगैरह है। हॉट बेवरेज में टी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, कॉफ़ीज़ के डिफरेंट ऑप्शन हैं। और ब्रेकफास्ट में तो है ही तगड़ा मेन्यू, तो मैं यहाँ पे भिंडी छोले जीरा आलू वाला कॉम्बिनेशन है वो मंगवा लेता हूँ। और साथ में बहुत सारी चीज़ें आप ऑरेंज जूस वगैरह, बेरी स्मूदी, लीची या सीड सब मंगा सकते हो। अच्छा खासा यहाँ पे मेन्यू मिल जाता है आपको। दस बजे का टाइम था और ऑलमोस्ट यहाँ पे हो रहे हैं अभी 10:50। अब जाके फ्लाइट मूव हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। यहाँ पे देखो फ्लाइट्स का लाइनअप लगा हुआ है। एमिरेट्स हमारे पीछे, उसके पीछे भी कोई और लाइन से देखो यहाँ पर फ्लाइट्स खड़े हुए हैं। अभी पक्का कोई ना कोई प्लेन लैंड होने वाला होगा इसलिए हमें रोका गया है। देखते हैं लैंडिंग कितनी परफेक्ट मिलती है हमको। लोकेशन तो बहुत सही है अभी, हो जाए भाई लैंड कोई अच्छा सा प्लेन। अपना फेवरेट यहाँ पर विस्तारा लैंड हुआ है, वाहो अच्छी किस्मत थी। बस अब हम लोग उड़ने के लिए तैयार हैं।
तो एग्जैक्टली 11 बजे हम लोग यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। मेन बता तो यहाँ से आएगा, ये देखो सेम चीज इसे आप बाहर से फील करो। देखो जो व्हील से अंदर की ओर जाते हुए, और अब मुंबई शहर का व्यू शुरू हो जाता है यहाँ से। ये पूरा यहाँ पे देख लो सी है, तब शायद है कि सी के ऊपर से जाएंगे। चलो कंट्रोल में देख लेते टेल व्यू, पूरा सी के ऊपर से निकल रहे हैं। देख लो मेन्यू में जो हमने मंगाया था, पिंडी छोले साथ में आलू की सब्जी, सब कुछ आ चुका है। ये मेरा फेवरेट ब्लूबेरी योगर्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पे फूड प्लेटर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। ये रहा मेरा फेवरेट योगर्ट, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कंजर्व, ऑरेंज मार्मलेड, और साथ में मिक्स पिकल भी है, क्रोसॉन भी है, बटर है, सब ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे स्पून वगैरह है, साथ में पानी, और एयर इंडिया का लोगो इसमें बना हुआ है। कहाँ गया तो जानते हो यार कि फूड रिव्यू करने के लिए मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ। मेन चीज़ें हम हैं देसी आदमी, खाएंगे हाथ से ही। आप काटा चम्मच कुछ भी दे दो हमको, छोले तो एकदम क्लासी बने। कुलचे छोले का मज़ा उस मुँह से आ नहीं सकता यार, वैसे बिरयानी का मज़ा भी चम्मच से नहीं आता। बढ़िया है। अभी फ्रूट्स की फ्रेशनेस देखते हैं, फ्रेश है कि नहीं। वो हमें पपाया से ही पता चल जाएगा। मस्त लग रहा है, साथ में कोई शायद किसी चीज़ में डिप किया है, तो उसका फ्लेवर बहुत तगड़ा आ रहा है इसमें। फ्रूट्स में जो कुछ येल्लो सा आपको दिख रहा है, इसका बहुत तगड़ा फ्लेवर आ रहा है। चलो बाकी तो मतलब कुछ खास टेस्ट करने के लिए है नहीं। क्रोसॉन है, क्रोसॉन भी देख ही लेते हैं कैसे हैं। भाई बटर के लग रहे हैं क्रोसॉन। एक्चुअली ना चाय वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा बटर भी है, स्ट्रॉबेरी डिप भी है, वो भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। इस हाइट पे इन नज़ारों के साथ इतना बेहतरीन खाना मिले और क्या चाहिए। लेकिन वैसे खर्च भी होता है। 27,000 की टिकट है बैंगलोर की, मुंबई से वाया चेन्नई। आप ही देख लो भाई, सब आप ही लोग के लिए एफर्ट ले रहा हूँ। आपका ही काम है, सपोर्ट करो, शेयर करो, और ऐसे भाई को आगे बढ़ाओ।
यार मैं उतना फ्रिक्वेंटली तो ट्रैवल करता नहीं, तो पता नहीं इसको बोलते क्या है, बट हाँ इससे आप अपनी जो टीवी है यानी जो स्क्रीन है उसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप अपने फ्लाइट की लोकेशन, गाने वगैरह सुन सकते हो, टीवी शोज़ देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया टीवी शोज़ के लिए, तो इंटरनेशनल टीवी शोज़ देखते हैं क्या अवेलेबल है, और वो सभी चीज़ें देखो यहाँ पे आ गया। आपको चाहो तो यहाँ से प्ले कर सकते हो, वरना होम पे जाओ। अब हमको तो बेस्ट चीज़ पता क्या लग रहा है इसके, फ्लाइट की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो ये जो फीचर है ना काफ़ी हैंडी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप लेटे हुए हो तो आपको मॉनिटर तक उठने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट चीज़ें जो मुझे सबसे सही लगी, वो है लाइव मैप। आप देख सकते हो आपकी फ़्लाइट जो है कहाँ उड़ रही है, कहाँ लैंड होने वाली है, अभी किस लोकेशन पे है, टाइम पूरा आपको दिखा देगा। अभी हम लोग बेंगलोर के काफ़ी पास पहुँच चुके हैं, हैदराबाद बेंगलोर के बीच में, अनंतपुर के पास उड़ रहे हैं, देख लो तुमकुर एरा बेंगलोर के पास। अभी पहले जाएंगे चेन्नई, वहाँ ले ओवर होगा थोड़ी देर, फिर बेंगलोर के लिए आएंगे। तो पूरा यहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल में आपको दिखती है। देखो ये रहा अपना प्यारा भारत, आपको एस्टिमेटेड टाइम वगैरह देखना है, एयरक्राफ्ट का व्यू देखना है, विंडो व्यू सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा अगर आपको व्यू चाहिए, आप इसको सभी चीज़ों में ना चेंज कर सकते हो। चेज कैम वगैरह का भी ऑप्शन दिया होता है, तो उसके पीछे पीछे चलेगा, मतलब ऐसी चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं बैठे बैठे टाइम काटने के लिए, ये बहुत होता है। मेन चीज़ है कि ये काम कर रहा है, अभी ये नए एयरक्राफ्ट हैं तो इसलिए सभी चीज़ें इसमें ऑपरेशनल हैं, और बिजनेस क्लास है तो ऑब्वियसली बात है इसमें होगा ही। ये देख लो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम चेन्नई का 12:26, और अभी देख लो कितना हो रहा है, लगभग मतलब हाफ में से थोड़ा ज़्यादा समय बाकी है अभी, 36 मिनट्स के लिए अब दिखा रहा है एस्टिमेटेड अराइवल टाइम, और ये लोकेशन हमारे फ्लाइंग लोकेशन अभी दिखा रहा है। ये कुछ फीचर्स मिलते हैं, बाकी यहाँ पे जो लाइट कंट्रोल सब आप देख रहे हो वो भी यहाँ से आप जला सकते हो, ये बटन प्रेस करके, वो भी धीरे से जल रही होगी अभी, शायद बाहर की लाइट ज़्यादा इसलिए दिख नहीं रहा होगा, पर कुछ ऐसे ही कंट्रोल है। साथ में यहाँ साइड में एक लाइट का ऑप्शन मिलता है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपके रीडिंग लाइट जैसे आपके ऊपर फोकस करने के लिए जल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस लाइट में। मेन चीज़ पता है क्या, ये कंट्रोल देखो आप, मैं टच करके यहाँ पे इसे बंद कर सकता हूँ, है ना मस्त। बाकी में नॉर्मली आपको हाथ से उठाना पड़ता है, पर बिजनेस में आपको टच वाला ऑप्शन मिला हुआ है। हम लोग चेन्नई जस्ट लैंड करने ही वाले हैं, तो यहाँ से आप वो व्यू देख लो, साइड में बाजू में आपको चेन्नई का व्यू मिल जाएगा, बस रेडी टू लैंड। उसके बाद एयरक्राफ्ट यहाँ से बेंगलोर भी जाएगा, तो देखते हैं हमें बाहर जाना पड़ेगा या अंदर से हम लोग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। गो अराउंड मिला हुआ एक बार, यहाँ पे फ्लाइट अपना पूरा घूम रहा है, सर्कल मार रहा है उस जगह के। लैंडिंग वाले जो व्हील्स हैं यहाँ पे ओपन हो गए, और फ्रंट वाला व्हील भी आ गया होगा। हाँ देखो यहाँ से आपको लैंडिंग बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, अभी एयरक्राफ्ट के भी एयरपोर्ट पे जस्ट लैंड होने वाले हैं, व्हील्स वगैरह इसलिए ओपन हुए। निकले तैयार हो गई है, ये वाला जो व्यू है ये आपको केवल A350 में बैठ कर के मिलेगा। और ये टच डाउन, फ्रंट वाला भी मिल जाएगा। हम लोग चेन्नई में लैंड कर चुके हैं कामराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और बाहर का तो टेम्परेचर है काफ़ी गर्म है, आप लोग जानते हो चेन्नई का हाल, मुंबई एंड चेन्नई दोनों ही कोस्टल एरियाज में है, इसलिए दोनों ही काफ़ी गर्म होते हैं। बाकी अनाउंसमेंट तो ये हुई कि जिनको बेंगलोर जाना है एक घंटे का यहाँ पे हॉल्ट टाइम रहेगा, तो आप लोग अपनी जगह पे रहो, वहीं पे रिलैक्स करो, जिनको उतरना है उनको उतरने दो, बाकी लगेज वगैरह जो भी हमने वहाँ पे सबमिट किया था ना वो हमें डायरेक्टली बेंगलोर में ही मिलेगा, और बाहर जाके वापस से चेक इन करके अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ
एक मलेशियन एयरलाइन का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ की तैयारी करते हुए, वो तो निकल जाएगा क्या, पर मस्त था, मज़ा आया। अभी एयरक्राफ्ट में मेरे सिवा कोई नहीं, तो अच्छा मौका है। मैंने तो अपनी सीट भी बदल ली स्टाफ से पूछ के, अब मैं इस साइड आ गया हूँ क्लोज टू विंडो। अभी तक हम लोग विंडोज थोड़ा दूर थे, बाकी जो सेंटर में दो लोग के लिए होती है ना, दो लोग के लिए नहीं होती है एक्चुअली, इंडिविजुअल के लिए होती है। अगर आपको विंडो नहीं मिलेगी तो ये वाली सीट मिलेगी, तो ये कुछ ऐसी दिखती है, बीच में डिवाइडर है, तो आप इससे इसे अच्छा एक बार पुश करोगे तो खुल जाएगा, तो ऐसे ऐसे आप बंद कर सकते हो, ठीक है। अगर साथ में दो लोग ट्रैवल कर रहे हो तो बगल में बैठ के खाना खाते खाते बातें भी कर सकते हो, बढ़िया है। यहाँ पे टोटल 28 सीट्स होती हैं बिजनेस क्लास में और 24 सीट्स होती हैं इसके प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में। बाकी अभी थरोली क्लीनिंग चल रही है और सभी चीज़ की चेकिंग की जा रही है, किसी पैसेंजर का कोई छूटा तो नहीं है। चलिए अभी मैं आपको अपनी सीट दिखा देता हूँ। मैंने अपनी सीट को स्विच किया क्योंकि उस वाले में जो है ना विंडो थोड़ा दूर पड़ रही थी और मेरे को एक जेट वाला जो व्यू चाहिए था वो यहाँ से अच्छा मिल रहा है। पूरा बिजनेस क्लास ऑलमोस्ट खाली जा रहा है चेन्नई से, तो स्टाफ बहुत फ्रेंडली बोला भाई आप शिफ्ट हो जाओ आराम से। उससे पहले तो मैं कॉफ़ी पीते पीते उनसे बात कर रहा था, लैंडिंग से पहले उन्होंने कैपेचिनो पिलाई। इतना हम्बल, इतना बढ़िया स्टाफ है, एयर इंडिया ने तो रेवोल्यूशन ही ला दिया मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने बढ़िया बढ़िया एयरक्राफ्ट एयर इंडिया दे रहा है, इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, और साथ में स्टाफ की जो ट्रेनिंग है, जो उनका बिहेवियर है, जो मतलब क्या ही बोलूँगा इसमें, बहुत बढ़िया स्टाफ चल रहा है। मेरे साथ गलती से थोड़ी कॉफ़ी वहाँ पर गिर भी गई थी, उन्होंने उसे साफ भी करवाया है, मतलब मेरी गलती तो होती रहती कभी ना कभी। तो बाकी ओवरऑल चलिए सीट्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले तो है ही, आपने देखा ही शुरू में। बाकी यहाँ से कंट्रोल्स होते हैं ना, आपको दिखाता हूँ ये बेड कितना बनता है, ठीक है, बेड कितना तगड़ा बनता है वो आप एक बार देखिए। और उधर जो हमारे पैर हैं वो सीट के अंदर जाते हुए, चलिए पहले इसको थोड़ा बंद कर देते हैं और आसानी से दिखेगा फिर आपको। ये बटन को प्रेस करना है आपको अगर इसको बेड बनाना है तो, आराम से आप इसमें लेट सकते हो। मतलब ये एक्चुअली बनाया ये बेड है, और ये डोमेस्टिक के लिए फ़्लाइट्स नहीं है, मतलब इंटरनेशनली चलेंगी 12-12 घंटे 8-8 घंटे वाली फ़्लाइट्स, जहाँ पे पैसेंजर सो करके जा सकता है अपने डेस्टिनेशन में, एकदम फ्रेश पहुँचेगा। आप क्या बैठने वाले में क्या कमर दर्द होती, कोई ना कोई दिक्कत आती है, इसमें वो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, अच्छा खासा स्पेस बन गया। देखो मैं तो लेट ही गया पूरा ऑलमोस्ट, थोड़ा और बटन दबाऊंगा तब तो एकदम ही फ्लैट हो जाएगा। बाकी सोने के लिए ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, पूरे पैर अंदर चले जाते हैं आपके, और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, आपको केबिन क्रू के बोल के आप इसे बंद करवा सकते हो। लंबी फ्लाइट है तो वैसे तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपने बैंगलोर चेन्नई वाले रूट में ऐसी कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, 20-30 मिनट की फ़्लाइट होगी उसमें क्या ही इसे बंद करेंगे, जितनी देर में टेक ऑफ करेगी बीच में कुछ खाएंगे लैंडिंग का समय आएगा तब तक वो भी निकल जाएगा। और जब तक यहाँ एक घंटे का रास्ता चेन्नई में, तो मैंने सोचा 10-15 मिनट तो कमर सीधी कर लेते हैं, क्योंकि कितना भी हो फ्लाइट फ्लाइट ही होती है, बैठे बैठे तो मज़ा आता नहीं है। फिर डिस्प्ले वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट्स वगैरह हैं, सभी चीज़ आप देख रहे हो। फीचर्स एक और सबसे बढ़िया फीचर ये भी है, चलिए उठूंगा तो दिखाऊंगा आपको। ये मैं पे जो अपनी बैठने वाली सीट है वो कुछ ऐसी बन जाती है, पूरी बेड जैसी, आप इसमें आराम से लेट सकते हो। आप बढ़िया है, देखा कि मैं वेट कर रहा हूँ काफ़ी देर से बैठा हूँ फ्लाइट में, एक घंटे का यहाँ पे लेवर था तो जूस भी देखे गए। मैंने कहा अच्छा यार कुछ ना कुछ मिलता रहेगा तो टाइम कटता रहेगा अपना। मुंबई से चेन्नई तक की तो जर्नी अभी आप लोगों ने देख ली, अब बारी है चेन्नई से बैंगलोर की शॉर्ट जर्नी को एंजॉय करने की, जो कि जल्द ही आपको नए वीडियो में देखने को मिलेगा। कनेक्टिंग फ्लाइट के रूल्स और कैसे आपको अपना लगेज ट्रांसफर वगैरह का ध्यान देना है, ये सभी चीज़ें आप उसमें जानेंगे। और मिलते हैं जल्दी आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।